गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे साथ कहिए। वनम वृंदावनम नामा वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृण विरुदम पुण्याद्री तृण विरुदम। आप सभी को श्रीमद् भागवत संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। जैसे हम नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं उसी क्रम में आज दशम स्कंद दामोदर लीला कल हमने संपन्न किया और आज भगवान कृष्ण इसी महीने में कार्तिक महीने में उन्होंने क्या क्या लीला किया था उस चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। कार्तिक महीने में भगवान इसी कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोपाष्टमी होता है। उस गोपाष्टमी के दिन ही भगवान ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया था। गैया नहीं बछड़ा चराना प्रारंभ गौचारण करना तो उस कथा को हम कहेंगे। और वृंदावन की इस प्रसंग में वृंदावन की भारी महिमा है। जैसे जो श्लोक हम कह रहे थे उच्चारण कर रहे थे वनम वृंदावनम नामा। अब सही दिन अभी वो हो गया अर्थ बता रहा हूँ। अभी सही है आवाज ऐसे बोल रहा था तो जरा हो रहा था ना। अभी ठीक है। बंदम वनम वृंदावनम नामा कहें वृंदावन नाम का जो वन है कानन है वो कैसा है बोले नव काननम नित्य नवीन नवीन उसमें कोमल कोमल पल्लव सदा ही पल्लवित होते रहते हैं। सुंदर सुंदर नाना प्रकार के पुष्प पुष्पित होते रहते हैं। और वो कैसा है कहें पशव्य पशु के हित पशु हितम पशव्यम पशु के हित करने वाला पशु को चराने योग्य घास से भरपूर वृंदावन ऐसा वृंदावन है जो गाय के योग्य है गाय को चराने योग्य है गौ के लिए गौ पालन के लिए अत्यंत फिट जगह है वृंदावन। श्री कृष्ण वहां पर है। गोप गोपी गवाम सेव्यम और कैसा है गोप जो गाय गैया के रक्षा करने वाले पालन करने वाले गोप गोपियां उनकी पत्नियां इनके द्वारा सेवित है वो जगह। और कैसा है पुण्याद्रि तृण विरुदम पुण्य पुण्य पुण्याद्रि पुण्य अद्रि मतलब पुण्य वहां पर अद्रि कहते हैं पहाड़ को पर्वत को। वृंदावन में कौन सा पर्वत है आप लोगों को बताएं किसी को बताए तो हाथ ऊपर करिए। वृंदावन में कौन सा पर्वत है पर्वत तो हमने देखा वृंदावन नहीं देखा वृंदावन अंचल में पूरा 84 गोष के अंदर क्या देखा नहीं देखा। गोवर्धन पर्वत नाम सुना है गोवर्धन तो देखा गोवर्धन सुना है किसी ने साहब ने सुना है अन्य मनुष्य मैंने मैंने सोचा कि जैसे पहाड़ी जी 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 मैंने पहले बहुत ऊंचा था तिल तिल करके वो कलयुग में वो धसता नीचे धसता चला जा रहा है इसलिए कलयुग के प्रभाव से। तो इसलिए अभी जितना दिखाई दे रहा है वही वृंदावन वही
गोवर्धन है जो जिसको भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से धारण किया था और साक्षात वही है। आर तो दिखते हैं बहुत सारे, लेकिन जिस गोवर्धन को भगवान ने साक्षात अपने कर कमल से क्या किया था, उठाया था, वही गोवर्धन, वही देखा था आपने, वही गोवर्धन। जाने की इच्छा नहीं हो रही वृंदावन, गोवर्धन वृंदावन गया राम नहीं वृंदावन, वृंदावन में गया मैं तो पिंड पिंड चढ़ाने जाते हैं, नदी है गंगा जी, तो वृंदावन कहते हैं गोवर्धन का जिसने दर्शन कर लिया, केवल परिक्रमा करने की दूर की बात, केवल दर्शन ही कर लिया, दूर से दर्शन करके गोवर्धन बाबा की जय किया, कहा बोली एक बार गोवर्धन महाराज की, ऐसे ऐसे करके प्रणाम किया तो ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ थे सारे तीर्थ को दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, गोवर्धन को प्रणाम कर लिया और तो गोवर्धन को परिक्रमा कर लिया तो संसार में केवल इस पृथ्वी में नहीं ब्रह्मांड में, कहा गया ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है सारे तीर्थ का दर्शन, सारे तीर्थ में परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। प्रभु और एक तो सुना है तो नवद्वीप धाम में जो दर्शन करता है वो वृंदावन दर्शन करने का बराबरी होता है। हाँ ऐसा ही सब कुछ है वहाँ। हाँ ऐसा भी है, लेकिन श्यामकुंड भी है, गोवर्धन पर्वत भी है, सब कुछ है। महाप्रभु तो वृंदावन तो, लेकिन महाप्रभु गए हैं दर्शन करने, इसलिए दोनों ही बराबर है, नवदेव भी बराबर है और गोवर्धन भी। गोवर्धन में श्री कृष्ण ने लीला किया था और महाप्रभु ने अपनी बाल्य लीला यहाँ पे किया था, नवदेव में किया था, दोनों ही बराबर है। ये जो है गौरांग का वृंदावन है, चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन है, निताई निमाई का वृंदावन है ये, और वही भगवान कृष्ण जी जहाँ पर लीला किया था उन्होंने द्वापर युग में, उसी का प्रकाश है। तो इस प्रकार वृंदावन के यहाँ पे जो कथा प्रारंभ नहीं किया मैं, जस्ट श्लोक का श्लोक जो उच्चारण का है उसका अर्थ बता रहा हूँ। अब पुण्य आद्रि तृण पीरुदाम बोल रहा था, पुण्य कहते हैं अत्यंत पवित्र, आद्रि मतलब पर्वत, तृण मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम पुण्य प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, तृण हैं तरुलता सब ऐसे हैं वहाँ पे, आप जाकर अभी भी वृंदावन में दर्शन करो, कटिया स्थान का भी जाना देखना, वहाँ पे लता पताओं को भी वृक्षों को भी उन लोग पूजा करते हैं, पुण्य है वो। वृंदावन के जो लता पता है, लता के रूप में उद्धव जी रहते हैं आज भी वृंदावन के, लता के रूप में उद्धव जी, उद्धव जी कहते हैं जिन जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कितने कष्ट सहा, उन गोपियों के चरण का रज प्राप्त करने के लिए, चरण का धूल प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान को, भगवान मुझे वृंदावन वृंदावन का लता पता बना देना, क्या बना, तृण बना देना, क्यों उच्चारण धूल उड़ के उनके शरीर में उनके सिर पर लगेगा, लता बताओ में लगेगा, अर्थात उद्धव जी कह रहे हैं मेरे सिर पर लगेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। तो वहां के तृण विरुद्ध कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष भी वृक्ष वृंदावन के वृक्ष क्या है बताए, ऋषिगण है, ऋषिगण वृंदावन के वृक्ष, शांत रस में ऋषिगण का बस कर रहे हैं वृक्ष के रूप में, ऐसा है वृंदावन का। उसको रुकियो, तो इस प्रकार वृंदावन का महिमा है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे भाई साहब गाना मत गाओ, कथा हो रहा है आप चुपचाप रहो, कथा सुनाऊं आपको बैठकर, राधे राधे बोले भाई। तो गोबर अब क्या हुआ, इसके पहले एक घटना हुआ था, कल आपने सुना था कि भगवान कृष्ण दामोदर लीला कर रहे थे तो उन्होंने जो
उसके पेट में जो रस्सी बांधा हुआ था उल्लू का उखल को वो घसीटते हुए ले आए और दो वृक्ष को उन्होंने क्या किया बीच में लगाया और उसे दोनों वृक्षों को गिराया। तो आपस में गोप गण एकत्रित होकर बात कर रहे हैं। गोप वृद्धा महत पातान अनुभूय बृहद बने करें। गोप वृद्धा गोपों का वृद्ध वृद्ध जो गोप हैं वो एकत्रित होकर आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? काबे बृहद वन बना है गोकुल। गोकुल का नाम बृहद वन है, महावन भी उसी का नाम है, गोकुल कहते हैं। तो वहां पे एकत्रित हो गए जहाँ पे अभी भगवान नंद बाबा का घर गोकुल में है। गोकुल दर्शन किया ना आपने? तो वहां पे ये घटना हुआ। लेकिन अब क्या, वहां पे नंद आदि बड़े बुजुर्ग, नंद उपनंद आदि बड़े बुजुर्ग गोपगण एकत्रित होकर आपस में बातें कर रहे हैं कि आयान तु महोत्पाता बाला नाम नाच है तवे। अनेक प्रकार के उत्पात उत्पात हो रहा है वृंदावन से, कहां पे गोकुल में। तो क्या हो रहा है वो गिनती भी करा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। कहते हैं अनु ऊपरी ना पतत, पहले भगवान जन्म हुए, जन्म होने के बाद उसको शकट के नीचे रखा तो शकटासुर आया तो भगवान ने लात मार दिया तो शकट ऊपर उड़कर उस मतलब शकट ऊपर उड़ गया और उसके पुर्जे बिखर गए। ये भी हुआ बोल रहे कोई असुर आया था शकट के रूप में लेकिन भगवान ने बचा दिया, मारने आया था अपने बच्चों को। फिर चक्रवात आया था, तृणावर्त नाम का असुर आया तो उसको भी नारायण के कृपा से बालक बच गया। उसके बाद अनेक प्रकार के दैत्य आए। अभी देखो बाल बाल अपना बच्चा बचा। यत्नम रियते द्रुमयो अंतरम प्राप्य बालक, बाल बाल बच्चा बचा। द्रुमयो अंतरम प्राप्य, दोनों वृक्ष के बीच में पड़कर जैसे तैसे एक जैसे तैसे बच गया। निश्चित रूप से यह जगह छोड़ने योग्य है। कहते हैं कि देशम च उपद्रवम मुञ्चन्ति ते पंडिता, जिस देश में उपद्रव हो उस देश को छोड़ के चला जाना चाहिए ऐसा पंडितगण कहते हैं। जहां पे उपद्रव हो ऐसे देश में नहीं रहना है। पंडित आपस में बात कर रहे थे, पंडित लोग कह रहे थे देशम च उपद्रवम मुञ्चन्ति ते पंडिता, पंडित लोग ऐसे जगह को, पंडित मतलब जो ज्ञानवान है ऐसे लोग, ज्ञानी लोग उत्पात स्थान में नहीं रहना ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे उत्पात हो रहा है तो इसको छोड़कर जाना चाहिए। एक उपनंदा नाम के एक बड़े बुजुर्ग थे वो कह रहे हैं और उनकी बातों में सबने हामी भर दी। ठीक है इस जगह को छोड़ के जाएंगे, अब जाए तो कहाँ जाए। तो एक वृद्ध गोप उठकर कहता है वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधाम। जो श्लोक हमने कहा वृंदावन नाम का एक जगह है, उन लोग तो गोपाल है ना, वो तो गैया का पालने वाले हैं। वो फिर बोला बहुत सुंदर है, एक सुंदर पहाड़ है उसमें यमुना जी बहती है, कल 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 यमुना जी बहती है और यमुना जी के दोनों तीर में सुंदर सुंदर वृक्ष है और बहुत बढ़िया बढ़िया घास है वहां पर। और जैसे ही सुना घास है, बढ़िया घास है, गैया को हम पाल सकते हैं। तो नंद बाबा ने कहा चलो वहीं जाते हैं। अब वो क्या है, सबने शकट, शकट कहते हैं बैलगाड़ी का, सबने बैलगाड़ी को तैयार किया और बैलगाड़ी में चढ़कर सब छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी में चढ़ाया और सामान सब बैलगाड़ी में उठाया और वहां से चल दिए। गैया जो गैया है बैल है तो आगे आगे भगाने लगे और पीछे पीछे शकट चल रहे हैं और शकट के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं, कृष्ण बलराम भी उसी के ऊपर है। और कहते हैं बनम वृंदावनम संप्रवेश सर्व काल सुखावहम। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन क्या है कह रहे हैं सर्व काल सुखावहम, सर्व काल सुखावहम, वृंदावन में सदा के लिए जो भी जा गया हो वृंदावन उसको अनुभव है, वृंदावन में कभी दुख नहीं होता इसका अनुभव में। सर्व काल सुखा सुख आवहम,
हाँ वो हम मतलब मन को प्राप्त होता है, आता है वहां पे। 10 साल मैं था वहां पे, मेरे पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं था। और जब मैं वृंदावन में नहीं था, मेरे पॉकेट में 20,000 रुपए हमेशा होता है। और वृंदावन के बाहर 20,000 से कम नहीं होते हैं। और आनंद एक बार भी नहीं आया पॉकेट में 20,000 होकर भी। लेकिन वृंदावन में गए 10 रुपया भी नहीं, 10 साल मैंने कटाया। अरे एक दिन भी मुझे दुख नहीं हुआ, ऐसा आनंद। सर्वकाल सुखावहम, केवल मेरी बात नहीं, आप लोग भी एक बार जाके अनुभव कर लो इस चीज को, वृंदावन क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। एक दिन भी दुख नहीं होगा। कभी कभी रंग जी का मेला है, रंग जी आज जो बात कर रहे थे, कभी रंग जी का मेला है तो कभी राधा वल्लभ का बहुला, कभी बांके बिहारी का डोला, देखा है। और तो और क्या कहें, वृंदावन में उत्सव ही उत्सव, भंडारा, साधुओं के लिए कह रहा हूँ, भंडारा कितना सबसे फेमस भंडारा जान बताए आप, कृपालु जी का भंडारा। कृपालु जी की भंडारे के बारे में थोड़ा कह दूं, सारे लोग देख रहे हैं फिर भी कह रहे हैं, वृंदावन में। और अभी ये सीजन चल रहा है, शायद इस बार नहीं होगा सुना कोरोना की वजह से, केवल वृंदावन है, सारे भारतवर्ष के जितने साधु है सब आ जाते हैं कृपालु जी के भंडारे उगाने के लिए। एक साल का पूरा साल का जितना भी खर्चा है वो देता है। एक साधु को जो जो चीज चाहिए साल भर के लिए सब मिलता है, एक बैग में भर कर देते हैं। प्रभु कृपालु महाराज गुरुदेव, अभी अभी मैं कृपालु जी का बारे में नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा, अभी तो जस्ट कृपालु जी का भंडारे के बारे में है ना, वो बता रहा हूँ। कहते हैं, कहने का मतलब भंडारे, भंडारा भी ऐसा है, मतलब वो एक उत्सव जैसा होता है, कुंभ मेला वैसा ही। कुंभ में जितने साधु आते हैं सारे कुंभ के साधु यहाँ पे आ जाते हैं। कृपाल लाख लाख तो नहीं होता, 10,000 साधु तो होते हैं। इलाहाबाद में, प्रयाग में, वृंदावन में नहीं, मैं कृपालु के भंडार होता है, नहीं सोचेगा। इसीलिए क्या वृंदावन क्या है, सर्वकाल सुखावहम, साधुओं के लिए भी सुखावहम और गृहस्थों के लिए जो जाते हैं उनको तो आनंद का सीमा नहीं। संसार में यहाँ पे इतने दुख में फंसे होते हैं और जब वृंदावन जाते हैं कितना आनंद आता है उन्हें, मुझे लगता है यहीं पे रह जाऊं। अपने कर्तव्य बस वे नहीं रह पाते हैं, फिर भी हृदय में एक इच्छा होती है कि वृंदावन में काश हम भी रह पाते, और यही इच्छा उनको वृंदावन तक ले जाती है, गोलोक वृंदावन ले जाती है। इसीलिए सभी को वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, वृंदावन की महिमा को सुननी चाहिए। यत्र कह रहे हैं, यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सचित घनताम उपेति। वृंदावन में जो भी प्रवेश करता है वो क्या है, यत्र प्रविष्ट, जहाँ पे प्रवेश करने पर सकलोपि जंतु, समस्त जंतु मतलब सब जीव, जो भी प्रवेश करता है क्या होता है, आनंद सचित घनताम उपेति, सचिदानंद घन बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, नहीं मतलब भगवान के जो गुण है उन्हें भी आ जाते हैं, हमें भी आ जाते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर ऐसा कहा है। और वो व्यक्ति फिर कह रहे हैं, जो जो भी वृंदावन जाकर दर्शन करता है ना, तो कहते हैं गर्भगता नशा भूया, फिर वो माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो फिर जन्म नहीं लेता संसार में, जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला है संसार में, फिर पुनः आना नहीं होता। और वृंदावन की महिमा इस प्रकार क्यों क्यों है, कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड को जब बनाया तो सब ने आकर पूछा, हर चीज का सार होता है, जैसे दूध का सार क्या है, मक्खन, और एक वृक्ष का सार क्या है, उसका फल है ना, और समस्त शास्त्र का सार क्या है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। तो उसी प्रकार सबका सार है, अब इस ब्रह्मांड का सार क्या है, पूछा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहते हैं मंथन किया, अपने ज्ञान को मंथन किया,
और मंथन करने के बाद क्या पाया, मध्यते तु जगत सर्वम, समस्त जगत को मंथन करने के बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मणा ये नगेमा के नवा त्वदीय यत् सारभूतम वृंदावनम निगद्यते। वृंदावन ही समस्त ब्रह्मांड का क्या है, सार है। वृंदावन वही वृंदावन है, समस्त ब्रह्मांड का सार है। इसलिए वृंदावन बाकी तीर्थ तो तीर्थ है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन भगवान का घर है, वृंदावन भगवान का घर है, कृष्ण का घर है। इसलिए वृंदावन की महिमा विशेष गाई गई है। और इस प्रकार वृंदावन की महिमा थोड़ा बताता हूं आपको, वृंदावन क्यों जाना चाहिए, हर व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वृंदावन, क्योंकि वृंदावन समस्त वृंदावन में संसार के, ब्रह्मांड के, इस पूरा संसार के सब तीर्थ वृंदावन में मौजूद है। इसका एक कथा था, भगवान भगवान पिता कब बने, कितने उम्र में बने, आपको पता है किसी को कितने उम्र में बने? 80 साल है ना, डोकरे 80 साल से वहां पे वृंदावन में कहते हैं डोकरा मतलब बुढ़ा, आपको देख रहे डोकरा कहेंगे। 80 साल की उम्र में भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। एक पिता माता पुत्र को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते बताओ? लोग जहां जाने को कहते हैं वहीं चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं बताओ? वहीं पे जाकर मन्नत मांगते हैं, मेरा पुत्र हो जाए और मैं पुत्र को लेके आकर दर्शन करूंगा। नंद बाबा भी ऐसा ही कर रहे थे। बद्रीनाथ जाते कहते हे बद्रीनाथ मुझे पुत्र प्रदान करो, और अगली बार मैं फिर आऊंगा तो मैं पुत्र को लेकर तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। इस पर मन्नत मांगते, इस प्रकार कहीं पे भी जाते इस प्रकार मन्नत मांगते। साउथ इंडिया के सारे तीर्थ गए, रंग श्री रंग जी गए, वहां पे भी ऐसा ही मांगा। लेकिन 80 साल के हो चुके हैं, पुत्र प्राप्त नहीं हुए। अंततोगत्वा 80 साल के होने के बाद तो पुत्र प्राप्त कर ही लिया। और पुत्र जब प्राप्त किया, पुत्र 5 साल के हो चुके थे, अभी 5 साल के चल रहे ना भगवान, 5 साल के हो चुके हैं। और पुत्र को कह रहे हैं पुत्र चलो दर्शन करते हैं, पूरा भारत वर्ष के तीर्थ का दर्शन करते हैं। क्योंकि मैंने देवताओं को मैंने क्या कहा था, मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ है, वचन दिया हुआ, पुत्र जब उत्पन्न होगा पैदा होगा तो मैं दर्शन करने आऊंगा। नंद बाबा ने जब ऐसा कहा, नंद बाबा को देखा कृष्ण, नंद बाबा तो 80 साल के हैं, कृष्ण ने देखा चल पाएंगे कि नहीं। ये शास्त्र की कथा नहीं, किसी साधु से सुना हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। वृंदावन का शब्द किसी साधु ने कहा है, आप लोग अन्यथा मत लेना। तो हाँ 80 साल के हैं, 80 साल में तो पैदा हुए और 5 साल के हो चुके हैं, 85 हो गए। 85 साल का कोई डोकरा कभी सारा भारतवर्ष के तीर्थ का दर्शन कर पाएगा? बद्रीनाथ जा पाएगा बताइए? बद्रीनाथ कोई गया है यहाँ से? आप गए ना, जा पाएगा 85 साल में? वही ना, राम नाम सत्य हो जाए। भगवान कृष्ण ने सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। भगवान ने समस्त संसार ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ को आज्ञा दिया, बुलाया आप सब 84 करोड़ ब्रज मंडल धाम में वृंदावन में आकर बैठ जाओ। इसलिए भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करते जो आज्ञा कहते हुए समस्त तीर्थ पूरा 84 कोस ब्रज धाम में, ब्रज मंडल धाम में आकर रहने लगे। बताइए 84 कोस के अंदर जितने भी देवता, कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता के कहते हैं ना, सब आके क्या ब्रज मंडल में आकर रहने लगे। वहां पे एक स्थान बना हुआ है, ब्रज मंडल परिक्रमा करोगे, 84 कोस का परिक्रमा करोगे तो सारे देवता मिल जाएंगे वहां पर। और जब एक बार परिक्रमा करोगे वृंदावन तो 84 कोटि देवताओं का, 33 कोटि देवताओं का
दर्शन भी हो जाएगा, परिक्रमा भी हो जाएगा, इसलिए वृंदावन धानी धाम की महिमा को आपको पता चल गया होगा कितना महिमा है वृंदावन। इसलिए और एक ये एक कारण है, ये भी एक कारण है, 84 कोष के अंदर 33 कोटि देवता आते हैं, रहते हैं, उनका स्थान है। दूसरा संसार के कोई दूसरे तीर्थ में भ्रमण करने की जरूरत नहीं, एक बार वृंदावन 84 कोष चले जाओ, बस सबका दर्शन हो जाएगा, सबका भ्रमण हो जाएगा। नहीं तो बाकी तीर्थ को जाना पड़ेगा ना आपको, काशी गए, काशी जाने से फिर वृंदावन का परिक्रमा का फल नहीं मिलता। वृंदावन चले गए काशी का परिक्रमा, गया जाने का जरूरत नहीं होगा, वहीं पे गया है। गंगा जी, वही भी गंगा जी, मानसी गंगा है, सब तीर्थ मौजूद है वहां पर। इस प्रकार वृंदावन का एक विशेष महिमा हो जाता है। और दूसरा, वृंदावन समस्त भगवान कृष्ण ने समस्त देवताओं के स्थान को क्यों बुलाया, कहते हैं ब्रजवासी वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते, ब्रजवासी वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते। और अब बाहर जाना पड़ेगा, नंद बाबा को कहां जाना, बाहर जाना पड़ेगा, कृष्ण को लेकर मन्नत मांगा हुआ है और प्रतिज्ञा किया है देवताओं को भगवान ने, इसलिए भी ब्रजवासियों को वृंदावन से अलग नहीं करना है। इसीलिए भी भगवान ने समस्त देवताओं को वहीं पे बुलाया, समस्त देवताओं के तीर्थ को वहीं पे बुलाया और 84 कोष में स्थापन किया। ये 84 कोष का महिमा है। इसलिए बहुत सारे भक्त 84 कोष से बाहर नहीं जाते, 84 कोष के अंदर ही जाते हैं। और वृंदावन में ना, वृंदावन में मुक्ति है रे, मुक्ति देवी भी मुक्त होने के लिए जाते हैं, मुक्ति देवी। अच्छा, 84 कोष कितना, 84 कोष, 84 माइल, 84 कोष, 84 कोष यानी कि कितना होता है, एक कोष में शायद 3 माइल होता है, एक कोष में हिसाब कर लेना, कल अभी नहीं, ठीक है, घर में जाकर। तो मुक्ति भी, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाती है, वृंदावन जाती है। कहने मुक्ति कहे गोपाल सो मोरी मुक्ति बताओ, कृष्ण कहते हैं, मुक्ति कहती है कि गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी। भगवान कह रहे हैं, ब्रज ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति हो जाए, ब्रज रज उड़ कर जब मस्तक में लगेगा तो मुक्ति का भी मुक्ति प्राप्त, मुक्ति को भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रज धाम की महिमा ऐसी है। इसलिए बहुत सारे भक्त करोड़ रुपए देने पर भी नहीं जाते बाहर। इसलिए रेमन वृंदा विभिन्न निहार, रेमन वृंदा विभिन्न निहार, यद्यपि मिले तुम्हें कोटि चिंता मनी तदपि न हाथ पसार। सुना होगा आपने, हे मन वृंदावन को निहार, देख यदि तुम्हें कोटि चिंतामणि मिले, चिंतामणि मतलब जिसको, जिस मणि के आगे चिंतन करने पर समस्त इच्छा पूर्ण होता है, यदि कोटि कोटि चिंतामणि मिले फिर भी तुम वृंदावन के बाहर न जाओ। वृंदावन को बाहर हरि को न निहार, और कोई कहे वृंदावन के बाहर हरि मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, ब्रज से छोड़कर, ब्रज से निकल कर दूसरी जगह में जाकर हरि को प्राप्त करूंगा कोई कहे, तो उसको भी हरि को भी न निहार, हरि को भी मैं नहीं देखता। साधु लोग कह रहे हैं, वृंदावन के बाहर यदि हरि मिलेंगे तो उस हरि को भी मैं दर्शन नहीं करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, हे मन वृंदावन को निहार, दर्शन कर। क्यों कह रहे हैं कि वृंदावन में हरि नहीं मिलेंगे, उन्हें विश्वास है। श्रीमद् भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत पुस्तक में है, यत्र प्रभु सन्निहितो हरि, जहाँ पे सदा के लिए, सन्निहित मतलब वहीं पे है हरि, यत्र सन्निहितो हरि वनम वृंदावनम त्यज्य पादम पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान एक पग बाहर नहीं जाते। इसलिए वृंदावन के बाहर हरि है, कोई ऐसा कहे तो वृंदावन के बाहर जाकर हरि को भी मत निहारी। क्यों कह रहे हैं, वृंदावन के अंदर ही हरि रहते हैं, पाद एकम न गच्छति, एक पग भी बाहर नहीं जाते भगवान। और मथुरा वृंदावनम यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। इतने सारे श्लोक का प्रमाण है,
वृंदावन में नित्य दा सानिध्य भगवान की होती है। इसलिए आप वृंदावन जाके देखो एक बार और आप स्वयं अनुभव करोगे। वो बहुत लोग अनुभव भी करते हैं ऐसा भगवान की उपस्थिति। इसलिए साधु कहते हैं भ्रात तिष्ट तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षा मटा। कहते हैं कितना सुंदर श्लोक है, आपको आनंद आ जाएगा। साधु लोग तो वहां रहते हैं, बाहर नहीं जाते। साधु लोग कैसे भी रह सकते हैं, और हम भी गृहस्थ लोग भी हम भी वृंदावन गए तो कैसे रहना कह रहे हैं। हे भ्राता तिष्ट तले तले विटपिना, वृंदावन में घूम घूम के आपका पैसा खत्म हो गया ना, आप क्या करोगे। तिष्ट तले तले विटपिना, विटपी कहते हैं रुक भिक्ष को, विटप कहते हैं वृक्ष को, विटपी कहते हैं स्त्रीलिंग वृक्ष को। वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए ग्रामे सुभिक्षा मत, खाने के लिए कुछ न मिले ना, ब्रजवासियों के पास जाकर भिक्षा मांगो। बोल रहे आज ज्यादा समय हो गया क्या, थोड़ा सा कहकर आज सात से ऊपर हो गए, साढ़े सात बारह, थोड़ा सा कहूंगा पांच मिनट कहूंगा इसको प्रश्न समाप्त कर लो। तो ये तो और ये तो आनंद का विषय है, इसको पांच मिनट में कहाँ होगा, कितना आनंद कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, वृक्ष में वृक्ष के नीचे जाकर बैठो और पैसा खत्म हो जाए तो क्या करो, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, ब्रजवासियों के पास जाकर भिक्षा मांगो, बोल रहे रोटी मांगो और भिक्षा में रोटी खाओ, और भिक्षा भी ना मिले ना क्या करें, स्वच्छंदम पीव जामुनम जलम अलम, आनंद से जमुना जी के जल को पियो कह रहे हैं। और चिरानी सुकंथे कुरी, और जाते जाते आपका सारा बैग चूरा कर ले गया कोई, तो रास्ते में जो कपड़े मिलते हैं ना उसी को सुकंथा मुकंथा कहते हैं। खेता खेता जानते हो, खेता खेता वो जो कपड़े खेता पुराने कपड़े का खेता होता है, इसको गुदड़ी कहते हैं हिंदी में, वृंदावन ब्रज भाषा में गुदड़ी कहते हैं। आप वहां पे जाओगे तटीय स्थान में जो साधु लोग रहते हैं, वो अनेक कपड़ों को मिलाकर खेता जैसा बनाकर लगाते हैं, साधु लोग ऐसा लगाते हैं रंग बिरंगा, आजकल तो फैशन बन गया है लेकिन पहले ऐसे लगाते थे, वो रास्ते में मिले हुए कपड़ों को जोड़कर बनाते थे। ऐसे कपड़ा भी हो जाए गुम हो जाए चोरी कर ले कोई, तो ऐसा खेता बनाकर रखो रहो। और सम्मानम कलये ति घोर गरलम, सम्मान को विष के समान मानो, कोई सम्मान देता है तो विष के समान मानो। और नीचा अपमानम सुधा, कोई नीच से नीच व्यक्ति भी आकर अपमान कर दे तो उसको क्या सुधा, उसको अमृत मानो। कोई सम्मान देता है तो हम फूल जाते हैं तो हमारा पुण्य नष्ट होता है, होता है आपको। और जो गाली देके जाता है आपको और उस समय हम अपना पाप लेके जाता है, पुण्य अपना जितना पुण्य है वो देके जाता है, पाप लेके जाता है। और दुष्ट अगर गाली देते तो कुछ मत बोलो, अच्छा है उसको, उसको क्या सुधा समझो। और श्री राधा मुरली धरो भज सखे, हे सखे हे सखा, राजा राधा मुरलीधर को राधा कृष्ण को भजन करो वहां पे जाकर। और वृंदावनम मात्य जा, वृंदावन को मत छोड़ो, वृंदावन को मत छोड़ो, वृंदावन में जाओ कम से कम। हम तो वहां पे जाकर नहीं रह सकते फिर भी हमें वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट करना है, कम से कम एक बार जिंदगी में, साल में एक बार जाने की कोशिश करना है, नहीं हो तो पांच साल में एक बार जाना जाने की कोशिश करना है, तो वो भी नहीं हो तो दस साल, वो भी नहीं हो तो जिंदगी में एक बार तो जाने की जरूर कोशिश करना है ना। प्रात होते ही यमुना जी में जाएंगे दर्शन करके, यमुना भूल गए, यमुना जी में जाएंगे दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे, मन चल वृंदावन धाम
मिलेंगे कुंज बिहारी भोलना मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, वहां पे कहेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी हो ओढ़ के कांवर कारी, प्रातः होते ही यमुना जी को जाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे, यमुना जी नहाएंगे। ऐसा होना ना, प्रातः होते ही यमुना जी में जाएंगे और दर्शन करके नहा के जीवन सफल बनाएंगे, बांके बिहारी को दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे, और हमें सभी को वृंदावन जाने की इच्छा रखना है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, नहीं चाहता है प्रभु, चाहता है ना। तो अब इच्छा प्रबल बनाए वृंदावन जाने की, और इस इच्छा को कभी सिमटने न दे, और वृंदावन इस बार जाएंगे, जरूर जाएंगे, ऐसा सोचकर मन में इसी इच्छा को बरकरार रखिए। और आज का सत्र यहीं पे संपन्न करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद है। अब समय भी हो चुका है, हमें